हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स के बारे में, जिसको फॉलो करके आप अपने अच्छे प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो और साथ में एक अच्छी जॉब भी ले सकते हो। सो हम बात कर रहे होंगे DSA की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, मशीन लर्निंग की, AI की, एंड्रॉयड की और काफ़ी सारी चीज़ों की। और इन्हीं के लिए मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स भी रिकमेंड करूँगा, जिसको आप फॉलो करके एक अच्छे प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। सो अगर आप करंटली प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, कौन सा कोर्स फॉलो करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक के बारे में। सो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, जो कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम C++ में करते हैं उनके लिए। तो उनके लिए जो पहला चैनल रहेगा वो रहेगा कोड स्निपेट। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से एंड डिटेल में सारे टॉपिक्स को DSA कवर करना है तो आप ये चैनल चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा चैनल है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड जो सेकंड चैनल है वो है अमन भैया का अपना कॉलेज। इस पर जो DSA पढ़ाया गया है वो काफ़ी अच्छे से एंड ग्राफिक्स वे में पढ़ाया गया है। सारे लेक्चर जो ग्राफिक्स वे में रिप्रेजेंट किए गए हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। एंड जो ये चैनल है इस पर जो DSA का कोर्स है उसमें C++ से लेके पूरा DSA अच्छे से कवर किया गया है। अगर आपको C++ नहीं आती तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो, तो आप ये कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसके बाद जो तीसरा चैनल है वो है लबअपर का कोड हेल्प। सो ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा है और ये अभी ऑनगोइंग कोर्स है, मतलब अभी चल रहा है ये कोर्स। और इस कोर्स को उन्होंने 3 फेज में डिवाइड किया है। जो पहला फेज है उसमें तो बेसिक है सारा, C++ और बेसिक सारी चीज़ें हैं। एंड जो सेकेंड फेज है उसमें इन्होंने DSA पढ़ा रखा है। एंड जो थर्ड फेज है उसमें इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करा रखा है, क्योंकि अगर आप DSA करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, जिससे कि आप इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन को ईजिली कर पाओ, राइट। तो ये कोर्स मेरे को इसलिए काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी है और बेसिक वाला पार्ट भी है। तो ये कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं जो लोग डेटा स्ट्रक्चर्स जावा में करते हैं, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा चैनल है जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा जावा वाले लोगों के लिए, जो है प्रेप कोडिंग। प्रेप कोडिंग पे काफ़ी अच्छे से जावा में DSA कवर किया हुआ है एंड इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं, लाइक हर क्वेश्चन को जावा के थ्रू करा रखा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो जब हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाता है तो देन उसके बाद हम क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लीड कोड पे या फिर अदर वेबसाइट पे, जिससे अगर इंटरव्यू में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका इजीली आंसर कर पाए। जो हम जो वाले क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे एरे के, स्टैक के, लिंक लिस्ट के, क्यू के क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, बट ग्राफ में और DB में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। लाइक DB में तो मैंने बहुत सुना है लोगों को क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते, और स्टार्टिंग में मेरे से भी बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था DB का। लाइक DB का नाम सुन लिया तो मैं क्वेश्चन ही छोड़ देता था। तो इस टाइम पे मैंने एक चैनल देखा जो कि आदित्य वर्मा करके, इस पर उन्होंने DB को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। लाइक 50 क्वेश्चन या फिर 50 लेक्चर डाले इन्होंने DP पे। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार कर लिए सारे तो आप DP के एक तरह से मास्टर हो जाओगे और आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली DP में, तो आप ये चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। सो सेकेंड है कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग। सो ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक रहता है कि हमें CP प्लेसमेंट के लिए करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बहुत CP कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने CP पहले कर रखा होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हमारे रिटर्न एग्जाम में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिटर्न एग्जाम में स्टोरी वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर हमने वो क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं कर रखे होंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है हमारे रिटर्न एग्जाम में। एंड साथ में क्या होता है रिटर्न एग्जाम में 1 घंटे में हमें 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। सो अगर हमने पहले CP कर रखी होगी, कोड फोर्सेस पे फिर कोड शेप पे हमने क्वेश्चन लगा रखे होंगे या फिर कॉन्टेस्ट दे रखे होंगे, तो हम वो 1 घंटे में 2 या 3 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा बहुत CP कर लेना चाहिए इसीलिए, राइट। तो इसके लिए जो कुछ चैनल हैं वो हैं, एक पहला चैनल है लव का चैनल। तो उन्होंने ये चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बनाया था और इस पर सारा कंटेंट जो है वो CP के रिगार्डिंग ही है, तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हो। सो सेकंड चैनल है वो स्टाइवर का चैनल। सो स्टाइवर पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर चुका है तो उसके रिगार्डिंग वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं अपने चैनल पे। एंड साथ में वो जो सारे टॉपिक जो हमें ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो भी काफ़ी अच्छे से कवर करा रखें, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे सोल्यूशन को एक्सेप्ट कराना है, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिटेल में उन्होंने अपने चैनल पर समझा रखी हैं, तो आप ये चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टैक पढ़ना है, लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड, या फिर आपको पाइथन पढ़नी है, जावा पढ़नी है, या फिर अगर आपको इवन डॉकर भी पढ़ना है, तो आप एक चैनल चेकआउट कर सकते हो जो कि कोड भी धेरी। इन्होंने सब कुछ हिंदी में कवर कर रखा है एंड काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। और अभी मैं रिसेंटली पाइथन देख रहा था इनके चैनल पर, तो उन्होंने पाइथन पढ़ा रखी है और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं। तो एक काफ़ी अच्छा चैनल है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। सो अगर आपको फ्रंट एंड या फिर जावास्क्रिप्ट पढ़नी है तो एक चैनल है अक्षय सैनी करके, इनके नाम से ही इनका यूट्यूब चैनल है। काफ़ी अच्छे से इन्होंने JS कवर कर रखी है अपने चैनल पे, लाइक आपका नज़र ही चेंज हो जाएगा JS को पढ़ लेगा, इतने डेप में और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके इन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ा रखी है।
जो सेकंड चैनल है वो है इथेश चौधरी करके, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से जावास्क्रिप्ट करा रखी है, और साथ में इन्होंने फ्रेमवर्क भी कवर करा रखे हैं इसके, लाइक रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस। तो आप ये चैनल भी अपना चेकआउट कर सकते हो अगर आपको फ्रंट एंड या फिर जावास्क्रिप्ट करनी है। तो अगर आपको सिस्टम डिजाइन पढ़ना है, लाइक आजकल एक आध इंटरव्यू में सिस्टम डिजाइन पूछ लेते हैं, एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपसे एक आध इंटरव्यू में तो सिस्टम डिजाइन पूछ ही लेंगे। तो अगर आपको सिस्टम डिजाइन पढ़ना है तो आप एक चैनल चेकआउट कर सकते हो जो कि गौरव सेन करके, इन्होंने सिस्टम डिजाइन पर काफ़ी सारे लेक्चर डाल रखे हैं, एंड साथ में इन्होंने मॉक इंटरव्यूज भी डाल रखे हैं कि लाइक कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कैसे हमको आंसर करना है और इंटरव्यू में सिस्टम डिजाइन के रिगार्डिंग। तो आप जी चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको एंड्रॉइड पढ़ना है तो आप एक चैनल चेकआउट कर सकते हो जो कि अनुज भैया करके, इस पर एंड्रॉइड के रिगार्डिंग और जावा के रिगार्डिंग काफ़ी कंटेंट डालते रहते हैं। सो अगर आपको एंड्रॉइड और जावा दोनों ही पढ़नी है तो आप जी चैनल चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मशीन लर्निंग पढ़नी है तो एक चैनल है क्रिश नायक करके, सो आप जी चैनल चेकआउट कर सकते हो। इस पर मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंटेंट स्ट्रक्चर वे में अपलोड करते रहते हैं, एंड साथ में ये मॉक इंटरव्यूज भी डालते रहते हैं जिससे लाइक पता चलता है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि डेटा साइंस में या फिर मशीन लर्निंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक मॉक इंटरव्यू डालते हैं जिसका आप रिव्यू ले सकते हो कि हाँ भाई क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो ये चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड साथ में एक चैनल है AI इंजीनियरिंग करके, इस पर भी काफ़ी अच्छा कंटेंट डालते हैं लोग। लाइक इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI सब कुछ कवर कर रखा है और काफ़ी स्ट्रक्चर वे में है ये कोर्स भी, और तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। सो लाइक अगर आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, लाइक नेटवर्किंग, OS, DBMS, तो आप एक चैनल चेकआउट कर सकते हो नॉलेज गेट करके। इन्होंने इस पर सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखी हैं, लाइक सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बना रखी हैं, एंड सारी वीडियो डिटेल्स एंड डेप्थ में वीडियो हैं, तो आप ये चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। एंड DBMS के लिए मैं एक अलग चैनल रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि गेट स्मैशर, इन्होंने बहुत अच्छे से एंड बहुत डिटेल में DBMS को कवर कर रखा है, तब इसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है या फिर आपको किसी एक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर या फिर लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हो, और मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक यू गाइस।